हेलो फ्रेंड्स, दादी अम्मा के नुस्खे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेट दर्द का उपचार, काला नमक और अजवाइन समान मात्रा में लेकर पीसकर 3 ग्राम लेकर पानी के साथ सेवन करने से दर्द ठीक होता है। हर्ड का चूर्ण 3 ग्राम हल्के गर्म जल के साथ सेवन करने से दर्द ठीक होता है। 2-3 ग्राम जीरा पीसकर थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटने के बाद थोड़ा सा पानी पीने से दर्द ठीक होता है। नींबू का रस, अदरक का रस 5-5 ग्राम लेकर काली मिर्च 1 ग्राम मिलाकर पीने से दर्द ठीक होता है। हींग को पानी में घोलकर नाभि के आसपास लेप करने से दर्द ठीक होता है। अदरक का रस 5 ग्राम, तुलसी के पत्तों का रस 5 ग्राम मिलाकर थोड़े गुनगुने पानी से सेवन करने से दर्द ठीक होता है। त्रिफला चूर्ण मिश्री दोनों 3-3 ग्राम पानी के साथ सेवन करने से लाभ होता है। पेट दर्द का कारण ज़्यादा वायु वाली चीज़ों का सेवन करना। जब कोई चीज़ जल्दी हजम नहीं होती, पचती नहीं, वायु पैदा हो जाती है जिस कारण से शूल होता है। छोटे बालक जो होते हैं वो खाते रहते हैं, तब पहले उनका खाना हजम नहीं होता, ऊपर से और खाते रहते हैं जिस कारण से पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, उधर शूल होने लगता है। खेलने के चक्कर में जल्दी भोजन खाते हैं, भोजन करने के बाद खेलने लग जाते हैं, शूल होने लगता है, इस कारण से शूल होने लगता है। समय पर शौच ना जाना भी एक कारण है। देर से उठने की बुरी आदत के कारण पेट साफ नहीं होता। अतिसार, जिगर की खराबी, पेचिश, आमाशय का रोग आदि के कारण पेट में दर्द होने लगता है। और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।